साथियों, आज आपके सामने पेश करेंगे जो हमारे बाल हैं, बाल जो झड़ रहे हैं, तो ये सारी समस्या किन वजह से हो रही हैं और आप क्या क्या उपचार करेंगे तो आपकी ये सारी समस्याएं रुक सकती हैं। तो साथियों, ये कुछ पॉइंट हैं, इन पे आज डिस्कस करेंगे। तो साथियों, होता क्या है कि लोग आजकल खान पान पर ध्यान दे नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और इसका जो सीधा इफेक्ट है, जो सीधा इफेक्ट हमारे बालों पे पड़ता है। अब चक्कर क्या है इसका, जिस तरह हमारी बॉडी में विटामिन एंड मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हमारे बाल हैं और ये जो नाखून हैं, इनको भी ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों, अगर आपको इन ये बाल हैं और आपके नाखून हैं, इनको सुंदर रखना है और बोले तो ये झड़े भी ना और टूटे भी ना, तो इसका एक आपका सीधा सिंपल फंडा है, अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। और दूसरा उपचार ये है कि आप अपने डेली लाइफ में थोड़ी सी एक्सरसाइज को ऐड ज़रूर करें। एक्सरसाइज बोले तो आप जिम में भी कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छा योगा। योगा बहुत अच्छी चीज़ है। योगा में एक आसन होता है शीर्षासन। शीर्षासन में होता क्या है कि सिर को नीचे रखते हैं और पैर को ऊपर रखते हैं, तो इससे होता क्या है कि जो हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी में प्रॉपर तरीके से हो पाता है। जो बाल झड़ने की समस्या है कि ब्लड सर्कुलेशन भी है। आजकल लोग स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले रहे हैं, तो इस वजह से भी एक जो बालों की झड़ने की समस्या है, इससे भी उत्पन्न हो रही है स्ट्रेस से। तो आप शीर्षासन कर सकते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और तीसरा पॉइंट करते हैं साथियों, बहुत से मित्र अपने बालों का प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते हैं। प्रॉपर का मतलब ये होगा कि प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं बालों की, जिसके वजह से साथियों के सिर में रूसी आ जाती है, बोल तो डेंड्रफ आ जाता है। तो अगर आपको ये सब हटाना है तो आप अपने बालों को एक बार निकलवा सकते हैं, या नहीं निकलवाना चाहते हैं तो बालों को छोटा छोटा रखिए, तो आपके ये जो डेंड्रफ और रूसी वगैरह है, इससे छुटकारा पा सकते हैं आप। अगर किसी को और ज़्यादा समस्या है, जैसे हमारी बहनें हैं, तो अगर उनको भी समस्या है ये रूसी वाली, तो उनके लिए एक सजेशन देंगे कि जो नीम का तेल आता है, नीम की निवालियाँ होती हैं, निवालियों से तेल बनता है, अगर वो आप नियमित रूप से उसका इस्तेमाल करेंगे बालों में, तो आपको ये सारी समस्या कभी नहीं होगी। और क्या होता है साथियों, किसी किसी के बालों में जूं की समस्या आ जाती है, बोले तो एक छोटा सा कीड़ा होता है जो बालों में हो जाता है। तो अगर किसी को है वो और वो बड़ा परेशान है, तो उसका सबसे अच्छा रामबाण इलाज यही है कि नीम का तेल आप इस्तेमाल करें, तो वो समस्या ख़त्म ही हो जाएगी। मतलब करते रहना है उसे, महीने में 2-3 बार डालते रहना है, तो आपको ये समस्या होगी ही नहीं। साथियों, और एक कमाल की चीज़ बताते हैं आपको। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो हमारे बॉडी बिल्डर साथी हैं या फिर जो हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हैं, इनके बाल हमेशा छोटे ही देखे होंगे आपने। इसका रीज़न तो यही है, क्या है कि साथियों, इनको जो विटामिन एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है बालों को, बॉडी को भी होती है। जब आप बाल और बाल वगैरह बड़े रख लेंगे, तो इसको विटामिन एंड मिनरल्स की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो सीधा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विटामिन एंड मिनरल्स के। आप बाल ज़्यादा बड़े रखेंगे तो आपको विटामिन मिनरल्स ज़्यादा लेना पड़ेगा। आप बाल छोटे रखेंगे तो अगर थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा तो आपका बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको बाल छोटे रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग की समस्या होती है, भैया हमारी गर्दन बहुत पतली है, क्या करें, कोई उपचार बताइए। अगर आपको भी गर्दन थोड़ा सा मोटी रखना है, तो इसका तो सबसे अच्छा उपचार यही है कि आप बालों को तुरंत छोटा छोटा करके रखें। आप देख पाते हैं कि आपके सामने उदाहरण है कि जो हमारी माताएँ बहनें होती हैं, इनके बाल बड़े बड़े होते हैं, पर इनकी गर्दन है वो बहुत पतली होती है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बालों का असर हमारी बॉडी पे कितना पड़ता है। और साथियों, सबसे बड़ी बात हम बताएं, अपना बाल क्यों निकलवाते हैं हर साल? साथियों, ये हम निकलवा देते हैं तो हमें पूरा 3-4 महीने एकदम फ्री मूड में काम करने के लिए मिल जाता है, बोले तो कोई टेंशन नहीं होती, आराम से नहाओ धो और आराम से अपने काम में लग जाओ, कोई कंघी का झंझट नहीं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं। साथियों, ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपको, आशा करते हैं आपको ये सारे पॉइंट अच्छे लगे होंगे। और साथियों, अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। और आप ये वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।
जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। जय हिंद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।